हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, अब हमारी लेट्स ट्राई फोर है। लेट्स ट्राई थ्री तक आप लोगों ने सभी ने कर लिए, तो लेट्स ट्राई फोर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ग्रेटर नंबर। आपको दो नंबर दिए गए हैं, इनमें से वो पूछेगा कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 0.6 एंड 0.4। तो देखो, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 6 और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 4। इसका मतलब 6 और 4 में से ग्रेटर कौन सा होता है, 6 होता है। तो हेयर 0.6 इज ग्रेटर, आप इस तरह से लिखेंगे। कोई बच्चा ये नहीं लिखेगा खाली 0.6 लिख दिया, नहीं, कंप्लीट लिखेंगे आप 0.6 इज ग्रेटर, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0.03 और 0.08। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले पॉइंट, इसके बाद इसमें क्या है जीरो, अगले में चलो पॉइंट, इसके बाद यहाँ भी क्या है जीरो, नेक्स्ट डिजिट उठाओ 0.03 में डिजिट क्या है अगला 3 और यहाँ पर डिजिट क्या है 8। इसका मतलब कौन सा ग्रेटर हो गया, 0.08 इज ग्रेटर, ये आपका बड़ा हो गया। ठीक है, सी पार्ट है 5 और 0.5। तो ये जो 5 है इसमें तो देखो पॉइंट है ही नहीं और ये 0.5 है, तो ग्रेटर कौन सा है आपका, 5 है। ठीक है, 5 का मतलब है 5.0 और ये 0 है, इसका मतलब ग्रेटर हो गया आपका 5 हो गया। डी पार्ट है 1.21 और 1.021। तो पहले देखो पॉइंट से पहले के डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, इसका मतलब बड़ा कौन सा हुआ, ये 2 वाला, यानी कि 1.21 इज ग्रेटर। नेक्स्ट आता है 8.63 और 8.603। तो पहले तो पॉइंट से पहले के डिजिट मैच करेंगे, देखो यहाँ पॉइंट से पहले है 8, यहाँ भी पॉइंट से पहले है 8, इक्वल है। पॉइंट के बाद वाले डिजिट मैच करो, यहाँ है 6 और इस साइड में भी 6, ये भी इक्वल आ गए। नेक्स्ट डिजिट चलेंगे, यहाँ पॉइंट से पहले है 3 और इसमें पॉइंट से पहले है 0, इसका मतलब कौन सा बड़ा आ गया, 8.63 इज ग्रेटर, ये आपका बड़ा डिजिट हो गया। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, इस तरह से चलेंगे छोटे से बड़े की तरफ। तो ये है 7.05, ये है 7.048, 7.002 एंड 7.2। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 7.002, फिर इसके बाद 7.048, फिर 7.05 एंड सबसे बड़ा है 7.2, ये आपका आंसर आएगा। ये कंपेयरिंग मैंने आपको पहले ही करनी सिखाई है अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है 2.37, 3.1, 2.7 एंड 3.01। असेंडिंग ऑर्डर देखिए, सबसे पहले इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 2.37, यहाँ पे 2.3 है, अब अगला क्या है 2.7, ये आएगा, फिर इसके बाद आएगा 3.01 एंड सबसे बड़ा है 3.1। ठीक है, ये था इसका सी और डी पार्ट, ये आप लोग खुद करेंगे, डू योर सेल्फ आपने करना है इसको, सेम एज इट इज़ जैसे ये ए और बी पार्ट मैंने आपको बताए।
थर्ड क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से चलेंगे। तो 1.23, 1.023, 1.32 एंड 1.032 ये है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया आपका? सबसे पहले सबसे बड़ा, इसमें से सबसे बड़ा है मेरे पास 1.32, फिर उसके बाद है 1.23, फिर 1.032 और सबसे छोटा है 1.023। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है 112.45, 211.56, 112.54, 211.65। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा 211.65, ये ग्रेटर है, फिर इसके बाद 211.56, देन 112.54 एंड 112.45, ये लास्ट में है। ठीक है, इसका भी सी और डी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारी लेट्स ट्राई फोर ख़त्म हो गई है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लेट्स ट्राई फाइव। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इनको, क्योंकि इसमें जो ये लेट्स ट्राई फाइव है, सभी क्वेश्चन किस पे बेस हैं? एडिशन पे बेस है। आपको डेसिमल में ऐड करना आना चाहिए कि किस तरह से दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को ऐड किया जाता है डेसिमल में। तो ऐड द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट है मेरे पास 25.77 प्लस 0.2। तो सबसे पहले बात ये ध्यान में रखनी है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है आप लोगों ने, इधर उधर पॉइंट नहीं लगाना है। जहाँ पहले डिजिट के पॉइंट्स लगे हुए उसी के नीचे पॉइंट लिख के दूसरे नंबर को लिखना होता है। 25.77 है, ये मैंने राइट डाउन किया 25.77। अब है 0.2, तो देखो यहाँ पे पॉइंट और ये टू, और ये जीरो है ना, इस जीरो का मतलब है इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, 0.2। अब ये स्पेस मेरा खाली रह गया था, इसकी जगह मैंने अपनी तरफ से जीरो लगाई। बस ये पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिखने हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। बाकी जो स्पेस आपके बच गए उनकी जगह आप जीरो लगा सकते हैं। क्लियर है? अब इनको ऐड करेंगे। ये आ गया 7 प्लस 2 9, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ऐड किया जाता है। फर्स्ट का ए पार्ट है, फर्स्ट के बी पार्ट पे चलते हैं। 50.118 प्लस 49.48, तो देखो 50.118 और इसके साथ में लिखेंगे 49.48 और ये जो स्पेस बच गया, क्योंकि ये तो 48 था, ये स्पेस बचा, इसके आगे हम जीरो लगा देंगे। ये हो गया 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5, ये 9 और 5 प्लस 4 9। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सारे पार्ट आप लोग खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, सेम जैसा मैंने अभी आपको समझाया है उस तरह से करना है। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन आप बुक से रीड कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मार्क्स अटेंड किए हैं किसी बच्चे ने मैथ में 12.5, इंग्लिश में 17.8, साइंस में 18.6 और हिंदी में 20.9। वो कह रहे हैं टोटल मार्क्स कितने आए, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। टोटल मार्क्स इक्वल टू, ये मैंने ऐड किया तो 69.8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन आप बुक से रीड करेंगे। यहाँ पर राइस की कैलोरीज दी गई है 159.557 एंड कैलोरीज ऑफ पल्सेस की दी गई है 215.369
वो कह रहे टोटल कैलोरीज बताओ, तो टोटल कैलोरीज कितनी होगी इन सबको ऐड कर देंगे। जहाँ भी टोटल आ जाए ना, फाइंड द टोटल, तो वहाँ पर आप ऐड करेंगे। ये ऐड किया, ऐड करने पर कितना आ गया आपका 374.926 कैलोरीज, ये आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो लेट्स ट्राई, 5 हमारी कंप्लीट हो गई है, ये क्वेश्चंस थे उसमें वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी आती है नेक्स्ट, लेट्स ट्राई 6, और ये बेस है सबट्रैक्शन पर। अभी जो लास्ट थी हमारी एक्सरसाइज, उसमें हमने क्या किए थे, एडिशन किए थे, ऐड किए थे। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्शन इस एक्सरसाइज में। तो सेम प्रोसेस इसमें चलेगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, बस उसमें हम ऐड करते थे, इसमें हमने माइनस करना है, इतना अंतर है। फर्स्ट का ए पार्ट है 74.26 माइनस 56.06। तो इसमें देखो लिखा मैंने 74.26 और माइनस करना है मुझे 56.06। तो ये मैंने माइनस किया, 6 आ गया, 0 आ गया, 2 में से 0 माइनस हुआ 2, यहाँ 4 में से 6 माइनस नहीं होंगे, एक कैरी किया, 14 में से 6 माइनस हो गए, 8 आ गया, यहाँ पे एक गया था तो 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 18.20 इसका आंसर आ गया। बी पार्ट है 52.577 माइनस 22.8, तो पहले तो इसको राइट डाउन करेंगे, 52.577 एंड 22.8, जो स्पेस बचा खाली उसकी जगह 0 0 लगा दिया। ये मैंने माइनस किया तो 29.777 ये इसका आंसर आ गया। इसका सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सारे पार्ट्स इसके आप करेंगे डू योर सेल्फ, खुद करना है आप लोगों ने, ये इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबट्रैक्शन है सिर्फ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये क्या कह रहा है श्याम, क्वेश्चन आप बुक से रीड करेंगे, सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। श्याम स्कोर्ड इन एग्जाम, ठीक है, श्याम ने कितने मार्क्स जो है स्कोर किए हैं, 169.8। रुचि स्कोर्ड इन एग्जाम, रुचि ने कितना स्कोर किया है, 236.9। तो अब वो पूछ रहे हैं किसने ज़्यादा स्कोर किया, तो आपको देखने से लग रहा होगा ना कि रुचि ने ज़्यादा किया है, रुचि ने 236 मार्क्स लिए हैं, इसने 169 ही लिए, तो रुचि स्कोर्ड मोर इन एग्जाम। अब वो कह रहे हैं कितना स्कोर किया ज़्यादा उसने, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 236.9 में से 169.8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो देखो 67.1 मोर मार्क्स आ गए, मतलब इतने मार्क्स जो हैं ज़्यादा स्कोर किए गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है टोटल फाइल कितनी है मेरी, 93 GB की है, उसमें से फर्स्ट फाइल है 50.30 GB की, तो सेकंड फाइल बताओ कितने GB की आएगी। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, 93.00 इसमें से 50.30 को सबट्रैक्ट कर देंगे। ये मैंने सबट्रैक्शन करी यहाँ पर, तो मेरे पास कितना आ गया, ये आपका आ गया 42.70 GB। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया सभी को, तो ये आपके क्वेश्चंस थे लेट्स ट्राई 6 के, ये भी कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में आपकी लेट्स ट्राई 4, 5 एंड 6 तीन एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे इसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके।